एक छोटी उम्र से मुझे कुदरती दुनिया के अजायबात और इस्तफसार की ताकत का सामना करना पड़ा। मेरे वालिद ने मुझे सवाल करने और जवाब तलाश करने की तरगीब दी। मैं अजीम दिमागों के कामों से मुतासिर हुआ और साइंस के मैदान में अपना हिस्सा डालने की कोशिश की। मुझे यकीन था कि मशाहदे और तजुर्बात के जरिए हम कुदरती दुनिया के राजों से पर्दा उठा सकते हैं और अपने अर्धगर्द के पूदों की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। मुझे यकीन था कि दवाओं के पूदों का मुतालहा करके हम कुदरती दुनिया के राजों से पर्दा उठा सकते हैं और बीमारियों का नया इलाज तलाश कर सकते हैं। इब्नुल बितार का सफर मुशाहिदा, तजरीबा और इल्म के हुसूल के लिए उनकी लगन से निशान जिद था। उसके काम ने साइंस की दुनिया पर दीरुपा असर छोड़ा है और आज भी मुहक्किकीन और मुफक्किरीन को मुतासिर कर रहा है। इब्नुल बितार की रूह में हम इल्म के हुसूल और फितरी दुनिया की तलाश में अल्हाम पा सकते हैं, नई बसीरतों और दरियाफ्तों को खोलते हुए जो साइंस और इंसानियत के मुस्तकबल की तश्कील करेंगे।